गंगाई फूल उस पर बत्ती गुल, और मोदी जी बोले राज्यों से सुधारो मेरी भूल। आज बिजली की जो हालत पूरे देश में हो चुकी है, स्थिति यह है कि देश के 16 राज्यों में 10 घंटे तक की कटौती चल रही है। मोदी जी इस पे ये मत बोलिएगा ये कांग्रेस के राज्य है और ये दूसरे रीजनल पार्टीज के हैं और ये हमारे हैं, ये 16 में लगभग 12 आपके ही हैं। उन राज्यों में 10 घंटे की कटौती चल रही है और ये कटौती अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। मई में ये कटौती क्यों हो रही है इसको समझना जरूरी है। एक तो कटौती हो कि भाई आपके पास बिजली उत्पादन की क्षमता नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, पर हमारे देश में क्षमता भी है, रॉ मटेरियल भी है, पर मोदी जी कोयले की खदानों से कोयले को बिजली के जो उत्पादन के जो संयंत्र जा लगे हुए वहां तक नहीं पहुंचा पाए। आज स्थिति यह है कि देश में 72,000 मेगावाट क्षमता के कोयले के प्लांट आज बंद पड़े हैं क्योंकि उसमें कोयला नहीं है। आप और ऐसा नहीं कि कोयला हमारे देश के कोयलायरी में नहीं है, वो वहां पड़ा है, पर मोदी जी ने क्या है कि उसको वहां पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं समझी। और अभी आप किसी से सवाल पूछेंगे कि भाई बिजली क्या संकट क्यों उत्पन्न हो गया सरकार से, तो कहेंगे हमें नहीं पता था कि अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ जाएगी। अरे भाई आजकल तो स्मार्टफोन में अगले एक महीने का जो टेम्परेचर है उसके प्रेडिक्शन आते हैं। मोदी जी आपके पास नहीं है तो आप टीवी देखो, टीवी वाले रोज बताते हैं कि अगले 10 दिन में यहाँ ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ पर इतने डिग्री टेम्परेचर रहना की उम्मीद है, भीषण गर्मी पड़ने वाली है, पर वहां के उन्होंने वो जानकारी नहीं ली। तो कोयला पहुंचा नहीं, कोयलों के जहां बिजली के जहां उत्पादन होता है उस कारण से आज बिजली संकट हो गया। उसका एक और नमूना आपको देता हूं, ये मैं आज का एनर्जी एक्सचेंज का एक डाटा लेके आया हूं, ये आज का है। इसमें सुबह के 10:45 पे बिजली की मांग थी इस एनर्जी एक्सचेंज में 16,035 मेगावाट, और बिजली कितनी पूर्ति कर रही की जा रही इस एनर्जी एक्सचेंज में 2,304 मेगावाट। मतलब मांग है सुबह के 10:45 16,035 मेगावाट और पूर्ति हो रही है 2,304 मेगावाट। और मैं गारंटी लेता हूं कि जब अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस समय मांग होगी 25,000 मेगावाट और आपूर्ति होगी 2,000 मेगावाट की। और ये आपूर्ति 2,000 मेगावाट की किस कीमत पर हो रही है ये देखिएगा साथियों, 12 रुपये प्रति यूनिट। राज्यों को अगर बिजली चाहिए तो 12 रुपये प्रति यूनिट पे खरीदो, दूसरा वहां पे भी पूरी नहीं मिलेगी। मांग डिमांड और सप्लाई का प्योर मिसमैच है क्योंकि 72,074 मेगावाट क्षमता के प्लांट देश में बंद पड़े हुए हैं। तो हमारा पहला सवाल तो ये है कि जब सबको पता है अप्रैल में गर्मी आती है, मई में भयंकर गर्मी आती है, तो ये 72,074 मेगावाट के प्लांट को देश में कोयले की आपूर्ति क्यों नहीं की गई, क्यों वहाँ इन प्लांटों में मात्र 0 से 25% कोयला जो उनका स्टॉक होता है उसका मात्र 25% से कम कोयला इन प्लांटों में क्यों है, तो पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि देश में जो कोयले की मांग है वो पिछले 15 दिन से सब कह रहे हैं कि 22 लाख टन की है। तो कोयले की माइंस है या कोयला का मंत्रालय है वो सप्लाई मात्र 16 लाख टन की क्यों कर रहा है? हमने 15 दिन पहले भी इसके ऊपर एक छोटे से एक चेताया था सरकार को कि भयंकर बिजली का संकट आने वाला, क्योंकि मांग है देश में कोयले की वो है 22 लाख टन और सप्लाई है मात्र 16 लाख टन। कोयले के मंत्री कौन है मैं आपको गारंटी देता हूं, मुझे तो पता है और आपको भी पता होगा, पर मोदी सरकार के मंत्रियों को नहीं पता होगा कि कोयले के मंत्री कौन है। मैं गारंटी लेता हूं बिजली के मंत्री कौन है मुझे पता है, पर मैं गारंटी लेता हूं कि आप में से भी कई लोगों को नहीं पता होगा कि बिजली के मंत्री, बिकॉज वो बेचारे 2 AC चला के अपने ऑफिस में बैठे हैं दोनों,
एक एसी इधर से उनको हवा देता है, एक एसी उधर से देता है, क्योंकि उनके यहाँ तो बिजली का संकट है नहीं, उनके यहाँ तो बिजली की कटौती है नहीं। और ग्रामीण भारत में बिजली की कटौती जो अर्बन इंडिया है उससे बहुत ज्यादा है, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मात्र 4 घंटे बिजली आ रही है, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी चुनाव हो गए हैं, अगले चुनाव के पहले सोचेंगे, अभी इसको छोड़ो, अभी दूसरा राज्य पकड़ो। ये तो गवर्नेंस का मॉडल है। और आपको पता था ये कोयले का संकट है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, आप सरकार से पूछेंगे कि कोयला माइंस में है तो कोयले जो बिजली का जहाँ उत्पादन होता है वहाँ कोयला क्यों नहीं पहुंचा, तो सरकार कहेगी हमारे पास रेलवे रैक नहीं है। ये उनका उत्तर है कि रेलवे की हमारे पास रैक नहीं है। और आज मैंने सुबह पढ़ा अखबार में कि पैसेंजर ट्रेन को बंद करके अब मालगाड़ी से कोयले की ढुलाई होगी, कई पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया। ये इस तरह से गवर्नेंस चलता है मोदी जी। और आप कोई भी सवाल सरकार से पूछ लो, रोजगार क्यों नहीं है, राज्यों की जिम्मेवारी है, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, राज्यों की जिम्मेवारी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी है, आईसीयू बेड की कमी क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी है, कोरोना क्यों फैल रहा है, राज्यों की जिम्मेवारी है, महंगाई क्यों हो रही है, राज्यों की जिम्मेवारी है, तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, राज्यों की जिम्मेवारी है। और आज सरकार ने कह दिया कोयले का संकट क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी। तो आपकी क्या जिम्मेवारी है? आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है कि आपका जो महल है वो समय पर कंप्लीट होगा या नहीं। क्या आपकी एक ही जिम्मेवारी है कि आपके जो नए जहाज आ गए उसको लेके आप दुनिया के कोई भी देश में घूमने जा सकते हो? क्या आपकी यही जिम्मेवारी है? कोई भी सवाल पूछो, राज्यों की जिम्मेवारी है। और राज्यों की जिम्मेवारी के बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज वित्त मंत्रालय का डाटा है, मेरा नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों का 78,704 करोड़ रुपया जीएसटी का हमारे पास बकाया है। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 78,704 करोड़ रुपया राज्यों का हमारे पास जीएसटी का बकाया है। जिम्मेवारी सारी राज्यों की, पैसे सब हम लेंगे, उनका जो हिस्सा है उनको समय पर देंगे नहीं। और बिजली कटौती क्यों हो रही है? क्योंकि कोयला नहीं पहुंच रहा। किसकी जिम्मेवारी? बोले राज्यों की जिम्मेवारी। अरे भाई, कोयला मंत्रालय तो भारत सरकार में होता है, क्या आपने कोई राज्य में सुना कोयला का मंत्रालय होता है? कोयले की जो माइंस है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। क्यों आप समय पर कोयला नहीं पहुंचा पाए? और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो मैंने जो एनर्जी एक्सचेंज का डाटा दिया है कि सुबह 11:15 बजे आज 16,035 मेगावाट की मांग थी और आपूर्ति हो रही थी 2,304 मेगावाट की, और वो भी किस रेट पे साथियों? 12 रुपए प्रति यूनिट। ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है? महंगाई फुल, उस पर बत्ती गुल, और मोदी जी बोले राज्यों से सुधारो मेरी भूल। आज बिजली की जो हालत पूरे देश में हो चुकी है, स्थिति यह है कि देश के 16 राज्यों में 10 घंटे तक की कटौती चल रही है। मोदी जी इस पे ये मत बोलिएगा ये कांग्रेस के राज्य है और ये दूसरे रीजनल पार्टीज के हैं और ये हमारे हैं, ये 16 में लगभग 12 आपके ही हैं। उन राज्यों में 10 घंटे की कटौती चल रही है, और ये कटौती अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है मई में। ये कटौती क्यों हो रही है इसको समझना जरूरी है। एक तो कटौती हो कि भाई आपके पास बिजली उत्पादन की क्षमता नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। पर हमारे देश में क्षमता भी है, रॉ मटेरियल भी है, पर मोदी जी कोयले की खदानों से कोयले को बिजली के जो उत्पादन के जो संयंत्र जा लगे हुए वहां तक नहीं पहुंचा पाए। आज स्थिति यह है कि देश में 72,000 मेगावाट क्षमता के कोयले के प्लांट आज बंद पड़े हैं क्योंकि उसमें कोयला नहीं है। आप और ऐसा नहीं कि कोयला हमारे देश के कोयलायरी में नहीं है, वो वहां पड़ा है, पर मोदी जी ने क्या है कि उसको वहां पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं समझी। और अभी आप किसी से सवाल पूछेंगे कि भाई बिजली क्या संकट क्यों उत्पन्न हो गया सरकार से,
तो कहेंगे हमें नहीं पता था कि अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ जाएगी। अरे भाई, आजकल तो स्मार्टफोन में अगले एक महीने का जो टेम्परेचर है उसके प्रेडिक्शन आते हैं। मोदी जी, आपके पास नहीं है तो आप टीवी देखो, टीवी वाले रोज बताते हैं कि अगले 10 दिन में यहाँ ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ पर इतने डिग्री टेम्परेचर रहना की उम्मीद है, भीषण गर्मी पड़ने वाली है। पर वहाँ के उन्होंने वो जानकारी नहीं ली, तो कोयला पहुंचा नहीं, कोयलों के जहाँ बिजली के जहाँ उत्पादन होता है उस कारण से आज बिजली संकट हो गया। उसका एक और नमूना आपको देता हूं, ये मैं आज का एनर्जी एक्सचेंज का एक डाटा लेके आया हूं, ये आज का है। इसमें सुबह के 10:45 पे बिजली की मांग थी इस एनर्जी एक्सचेंज में 16,035 मेगावाट, और बिजली कितनी पूर्ति कर रही की जा रही इस एनर्जी एक्सचेंज में 2,304 मेगावाट। मतलब मांग है सुबह के 10:45 16,035 मेगावाट और पूर्ति हो रही है 2,304 मेगावाट। और मैं गारंटी लेता हूं कि जब अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस समय मांग होगी 25,000 मेगावाट और आपूर्ति होगी 2,000 मेगावाट की। और ये आपूर्ति 2,000 मेगावाट की किस कीमत पर हो रही है ये देखिएगा साथियों, 12 रुपये प्रति यूनिट। राज्यों को अगर बिजली चाहिए तो 12 रुपये प्रति यूनिट पे खरीदो, दूसरा वहां पे भी पूरी नहीं मिलेगी। मांग डिमांड और सप्लाई का प्योर मिसमैच है, क्योंकि 72,074 मेगावाट क्षमता के प्लांट देश में बंद पड़े हुए हैं। तो हमारा पहला सवाल तो ये है कि जब सबको पता है अप्रैल में गर्मी आती है, मई में भयंकर गर्मी आती है, तो ये 72,074 मेगावाट के प्लांट को देश में कोयले की आपूर्ति क्यों नहीं की गई? क्यों वहाँ इन प्लांटों में मात्र 0 से 25% कोयला, जो उनका स्टॉक होता है उसका मात्र 25% से कम कोयला इन प्लांटों में क्यों है? तो पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि देश में जो कोयले की मांग है वो पिछले 15 दिन से सब कह रहे हैं कि 22 लाख टन की है। तो जो कोयले की माइंस है या कोयला का मंत्रालय है वो सप्लाई मात्र 16 लाख टन की क्यों कर रहा है? हमने 15 दिन पहले भी इसके ऊपर एक छोटे से एक चेताया था सरकार को कि भयंकर बिजली का संकट आने वाला, क्योंकि मांग है देश में कोयले की वो है 22 लाख टन और सप्लाई है मात्र 16 लाख टन। कोयले के मंत्री कौन है? मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझे तो पता है और आपको भी पता होगा, पर मोदी सरकार के मंत्रियों को नहीं पता होगा कि कोयले के मंत्री कौन है। मैं गारंटी लेता हूं, बिजली के मंत्री कौन है मुझे पता है, पर मैं गारंटी लेता हूं कि आप में से भी कई लोगों को नहीं पता होगा कि बिजली के मंत्री, बिकॉज वो बेचारे 2 AC चला के अपने ऑफिस में बैठे हैं दोनों, एक AC इधर से उनको हवा देता है, एक AC उधर से देता है, क्योंकि उनके यहाँ तो बिजली का संकट है नहीं, उनके यहाँ तो बिजली की कटौती है नहीं। और ग्रामीण भारत में बिजली की कटौती जो अर्बन इंडिया है उससे बहुत ज्यादा है, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मात्र 4 घंटे बिजली आ रही है, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी चुनाव हो गए हैं, अगले चुनाव के पहले सोचेंगे, अभी इसको छोड़ो अभी दूसरा राज्य पकड़ो, ये तो गवर्नेंस का मॉडल है। और आपको पता था ये कोयले का संकट है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, आप सरकार से पूछेंगे कि कोयला माइंस में है तो कोयले जो बिजली का जहाँ उत्पादन होता है वहाँ कोयला क्यों नहीं पहुंचा, तो सरकार कहेगी हमारे पास रेलवे रैक नहीं है। ये उनका उत्तर है कि रेलवे की हमारे पास रैक नहीं है। और आज मैंने सुबह पढ़ा अखबार में कि पैसेंजर ट्रेन को बंद करके अब मालगाड़ी से कोयले की ढुलाई होगी, कई पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। ये इस तरह से गवर्नेंस चलता है मोदी जी? और आप कोई भी सवाल सरकार से पूछ लो, रोजगार क्यों नहीं है? राज्यों की जिम्मेवारी है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है? राज्यों की जिम्मेवारी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों है? राज्यों की जिम्मेवारी है। ICU बेड की कमी क्यों है? राज्यों की जिम्मेवारी है। कोरोना क्यों फैल रहा है? राज्यों की जिम्मेवारी है। महंगाई क्यों हो रही है? राज्यों की जिम्मेवारी है। तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है? राज्यों की जिम्मेवारी है। और आज सरकार ने कह दिया कोयले का संकट क्यों है? राज्यों की जिम्मेवारी। तो आपकी क्या जिम्मेवारी है?
आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है कि आपका जो महल है वो समय पर कंप्लीट होगा या नहीं। क्या आपकी एक ही जिम्मेवारी है कि आपके जो नए जहाज आ गए उसको लेके आप दुनिया के कोई भी देश में घूमने जा सकते हो? क्या आपकी यही जिम्मेवारी है? कोई भी सवाल पूछो, राज्यों की जिम्मेवारी है। और राज्यों की जिम्मेवारी के बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज वित्त मंत्रालय का डाटा है, मेरा नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों का 78,704 करोड़ रुपया जीएसटी का हमारे पास बकाया है। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि 78,704 करोड़ रुपया राज्यों का हमारे पास जीएसटी का बकाया है। जिम्मेवारी सारी राज्यों की, पैसे सब हम लेंगे, उनका जो हिस्सा है उनको समय पर देंगे नहीं। और बिजली कटौती क्यों हो रही है? क्योंकि कोयला नहीं पहुंच रहा। किसकी जिम्मेवारी? बोले राज्यों की जिम्मेवारी। अरे भाई, कोयला मंत्रालय तो भारत सरकार में होता है, क्या आपने कोई राज्य में सुना कोयला का मंत्रालय होता है? कोयले की जो माइंस है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। क्यों आप समय पर कोयला नहीं पहुंचा पाए? और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो मैंने जो एनर्जी एक्सचेंज का डाटा दिया है कि सुबह 10:45 बजे आज 16,035 मेगावाट की मांग थी और आपूर्ति हो रही थी 2,304 मेगावाट की, और वो भी किस रेट पे साथियों? 12 रुपए प्रति यूनिट। ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है? Please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.